हेलो एवरीवन, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस ब्लॉग में। मैं हूं अंकुर और चलिए आपको ले चलता हूं एक नए जगह पे जिसका नाम है तारा चंडी। यह एक शक्तिपीठ है माँ जगदम्बा का। मैं यहां मंदिर में आ चुका हूं। एंट्री करने के बाद लगभग यहीं से एंट्री होती है। ये एक ज़बरदस्त मार्केट है मंदिर के बाहर के ऑडिटोरियम में, जहाँ की आपको सभी तरह के फूल प्रसाद जो भी माता रानी को चुनरी वगैरह जो कुछ भी चढ़ते हैं। और इस कैंपस से बाहर खाने पीने की भी चीज़ें हैं। अगर कोई 10-15 साल पहले यहाँ आता तो यहाँ कुछ नहीं था, सिर्फ एक छोटा मंदिर था। और आज इसको मतलब बहुत बड़ा इसको मंदिर बना दिया। यही देखिए, देखिए यही माँ तारा हैं पीछे जो मेरे दिख रहा है। यही तारा शक्ति पीठ है जो सासाराम में है, और सासाराम से पहले सासाराम और डेहरी के बीच में है। तो मैं गया यहाँ पे, प्रसाद चढ़ाया, मैंने पंडित जी को प्रसाद दिया। अब मैं वहाँ मंदिर में दर्शन करने के बाद मैं सबसे टॉप फ्लोर पर आ चुका हूँ। इस मंदिर के सबसे ऊपरी फ्लोर पर जा रहा हूँ, और ये लगभग बहुत खूबसूरत इसको डिज़ाइन कर दिया गया है। अगर कोई बहुत पहले आया होता, मतलब 2010-11 का टाइम पे या उससे पहले, तो यहाँ कुछ नहीं था, बस दो रूम का एक मंदिर था और कुछ नहीं था। ये देखिए, इसको 3 मंजिल का कर दिया गया है। और पीछे जो आपको दिख रहा है वो मतलब पहाड़ का पानी है, थोड़ा झील टाइप से है, उसमें बहुत सारे कमल है। और सबसे टॉप पे माँ दुर्गा का एक छोटा सा मंदिर बना दिया गया है, और सबसे नीचे जो है ग्राउंड फ्लोर पर वो माँ तारा का जो है मंदिर है। बहुत पुराना ये शक्तिपीठ है, और माँ दुर्गा का ही एक स्वरूप होती है माँ तारा। और ये शक्तिपीठ है, शक्तिपीठ का मतलब होता है किसी ने बनाया नहीं, मतलब ये कालीन होता है, मतलब प्रकृति द्वारा या खुद भगवान द्वारा निर्माणित होता है, ये उनके अंश होते हैं, तो वहाँ शक्तिपीठ होता है। तो चलिए, मैं घूम रहा था, बहुत लोगों से मिला, मैं इधर उधर देख रहा था, जो भी चीज़ें मुझे दिख रही थी एक्सप्लेन करने लायक, फुटेज लेने लायक मैं ले रहा था। मैं कैमरे के हर एंगल को रोटेट करके फुटेज दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, और जो भी चीज़ें हैं आपको एकदम क्लियर वे में बताना चाह रहा हूँ। ये देखिए, मैं दूसरे तरफ जा रहा हूँ जिधर से मैंने एंट्री की थी। पार्किंग वार्किंग भी आपको अभी जस्ट दिखाऊंगा मैं, आप वीडियो में बने रहें। तो ये देखिए पार्किंग ऊपर से बहुत नहीं, अभी ये देखिए मंदिर है, ये सबसे टॉप फ्लोर पे एक दुर्गा जी का मंदिर इन्होंने बना रखा है। अंदर पंडित जी भी बैठे हुए थे। चलिए अभी मैं आपको पार्किंग और नीचे की जो चीज़ है वो दिखाऊँगा, कि मैं नीचे से ऊपर आया हूँ मंदिर से दर्शन करने के बाद। तो ये देखिए, ये अभी जस्ट अभी देखिए कुछ लोग और भी है जो मेरे पीछे जो ऊपर में दर्शन करने के लिए हैं माँ दुर्गा का, नीचे माँ तारा का दर्शन करने के बाद। और ऊपर बहुत बेहतरीन लग रहा था, क्योंकि पीछे जो है वो रोहतास पहाड़ है। ये वही रोहतास पहाड़ है जिनकी गोद में माँ तुतला भवानी, वहाँ भी वही शक्तिपीठ है। और उसके बाद रोहतास, जो रोहतास फोर्ट है राजा हरिश्चंद्र का, वो भी वो पीछे जो पहाड़ी दिख रही है उसी पहाड़ी में आगे है, यहाँ से 30-40 किलोमीटर दूर। ये देखिए, ये मुझे एक बहुत अजीब चीज़ मिला, एक बड़ा सा पत्थर थर्ड फ्लोर पर रखा हुआ था जिस पे एक महादेव की आकृति थी। मतलब ये इतना बेहतरीन लग रहा था, इतना खूबसूरत लग रहा था, कि मैंने स्पेशली इसका 1-2 मिनट का वीडियो बनाया सेल्फ। और उसके बाद ये ऐसा लग रहा था कि जैसे वोल्केनो से निकला हुआ टुकड़ा हो और उसमें एक महादेव का मूर्ति साक्षात निकला हो, कुछ वोल्केनो का टाइप का एक टुकड़ा लग रहा था। जैसे वोल्केनो में एक बड़े बड़े चट्टान जो निकल जाते हैं ना, वैसा कुछ ये दिख रहा था। और ये देखिए, ये ऊपर का पूरा ये देखिए रेस्ट हाउस है, गेस्ट हाउस है यहाँ पर। मतलब मुझे लगता है कम से कम 2-3 हज़ार लोग आराम से स्टे कर सकते हैं रात्रि में, और सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये देखिए, एक बड़ा सा एकदम बनाया गया खूबसूरत सा, और बगल में एक मस्जिद अटैच है, ठीक है, थोड़े से पोर्शन में, जो कि नहीं होना चाहिए, लेकिन अब क्या किया जाए, धार्मिक स्थान को हम हटा नहीं सकते, वरना ये पूरा का पूरा जो है कैंपस बहुत बड़ा कर दिया गया है। 1-2 मंदिर के रूम से इसको मुझे लगता है कि लगभग काफ़ी ज़्यादा इसको खींच दिया गया, पहाड़ से लेकर के इसको बाहर ग्रैंड ट्रंक ड्यूटी रोड तक खींच दिया गया इसको। और काफ़ी स्पेस है, मैं हर चीज़ों को हर एंगल से फुटेज को आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बड़ा खूबसूरत लग रहा था। इसी सफ़ेद वाले पे सबसे टॉप पे जो है माँ दुर्गा का जो एक छोटा सा एक रूम में एक मंदिर है, और जस्ट उस सीढ़ी के इससे चढ़ करके हमें जाना पड़ेगा, और उस सीढ़ी के नीचे से मैं इस वीडियो क्लिप को ले रहा हूँ। तो बहुत मज़ेदार था। इसी फ्लोर पर गेस्ट रूम भी है, गेस्ट हाउस भी है, जहाँ पर लोग बैठे हुए थे, और भाई सब फ्री ऑफ कॉस्ट था, कहीं कोई चार्ज वार्ज नहीं था किसी चीज़ का भी यहाँ पर। बस आप जो खाओगे बाहर में उसका चार्ज था, बाकी आप स्टे करो रुको, सबके लिए व्यवस्था बहुत ज़बरदस्त था। और बहुत सारे लोग मुझे मिले, और यहाँ तक ऊपर आने के लिए शॉर्ट रास्ता भी है, लॉन्ग रास्ता भी है। तो मुझे कुछ लोग मिले जिन्होंने लॉन्ग रास्ता ही बताया, आपने लाइव स्ट्रीमिंग में देखा होगा, और कुछ लोगों ने शॉर्ट भी मुझे बताया था। ये देखिए, ये जो पोर्शन है ये सबसे ऊपर का ही है, दूसरे साइड का जिधर गेस्ट हाउस वगैरह है, जिधर लोग आराम करते हैं, रेस्ट हाउस बोल सकते हैं, गेस्ट हाउस बोल सकते हैं, या इसको ये भी बोल सकते हैं कि कहीं PG-UG टाइप से कुछ है, ठीक है। तो बस यहाँ पर ऊपर लोग आते हैं बैठने के लिए, थोड़ा आराम करने के लिए, और जो आसपास का जो ये एनवायरमेंटल जो प्राकृतिक जो खूबसूरती है उसको निहारने के लिए। बाकी जो
अगर स्पिरिचुअल चीज़ें मतलब जो पूजा पाठ की जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें वो ग्राउंड फ्लोर पे ही है। ये देखिए मैं नीचे जा रहा हूँ, सीढ़ी से नीचे मुझे बहुत अजीब चीज़ दिखा, एक शिव जी की भी यहाँ पे मंदिर है इस नीम के पेड़ के पास। मैंने देखा एक शिवलिंग था इस नीम के पेड़ के नीचे, और ये सीढ़ी ऊपर को जाती है थर्ड फ्लोर तक। ये भी एक रास्ता था सबसे ऊपर जाने का। ये देखिए मेरे पीछे जो ये पेड़ है, इस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था, और आगे चल करके एक हनुमान मंदिर भी है जिसको मैं आपको बहुत अच्छे से दिखाऊंगा। तो हनुमान मंदिर भी है, शिवलिंग भी है, मुझे लगता है कि लगभग लगभग माँ दुर्गा भी है। मतलब जितने भी मतलब पांच छह देवी देवता हैं जो प्रमुख, जिनके हम ज़्यादातर मंदिर या पूजा करते हैं, उन सभी का यहाँ मंदिर आपको मिल जाएगा। शिव जी भी हैं, उसके बाद हनुमान जी भी हैं, माँ दुर्गा भी हैं, माँ तारा तो शक्तिपीठ है ही, तो बहुत सारी चीज़ हैं। अभी मैं आपको हनुमान जी का मंदिर का भी लास्ट में एक फुटेज दिखाऊंगा। ये देखिए अभी मैं कैमरे को रोटेट करूंगा, यहाँ महादेव जी हैं और महादेव जी का शिवलिंग वहाँ है पेड़ के नीचे, और बहुत खूबसूरत और बहुत शांत था। और सबसे मज़ेदार बात पता है क्या है, छठ फेस्टिवल की वजह से क्राउड कम था। मैं जानबूझ करके 12 से 1 बजे के बीच में गया था, मतलब 12 बजे के बाद गया था, कि सुबह में बहुत क्राउड होता है वरना यहाँ पैर रखने का जगह नहीं होता, इतना क्राउड होता है। यहाँ के लोग भी बोल रहे थे कि आज पता नहीं लोग कम क्यों हैं, क्योंकि छठ फेस्टिवल की वजह से। ये देखिए यहाँ पर आप अगर गौर से देखें तो महादेव जी का शिवलिंग है, और बड़ा खूबसूरत। मैं तो गदगद हो गया, मेरे आराध्य हैं। तो प्रणाम करने के बाद फिर मैं जब जा रहा था तो मुझे हनुमान जी का भी एक बहुत खूबसूरत और बहुत मतलब भव्य मंदिर दिखा इसी कैंपस के अंदर। तो चलिए आगे वीडियो में मैं आपको वो भी दिखाता हूँ कि मुझे वो क्या चीज़ थी जो मतलब, और आगे मुझे अपने इस ब्लॉग में जो आपको दिखाना है वो सारी चीज़ें मैंने कवर की। तो चलिए बने रहिए और धीरे धीरे आप एंजॉय कीजिए इस वीडियो को, अगर आप नहीं गए हैं तो, अगर गए हैं तो दोबारा यहाँ आइए। चलिए तो मैं भी सोच रहा हूँ, ये जगह इतना अच्छा था कि मैं 360 में इसको फुटेज ले रहा था, पिक्चर्स भी क्लिक कर रहा था, बहुत अच्छी जगह थी, मुझे पसंद आती है। देखिए यहाँ पर हनुमान जी का एक मंदिर मतलब आगे आपको दिखेगा, हो सकता है मैंने आपको दिखाया भी इस वीडियो क्लिप में, अभी जस्ट क्रॉस किया था। तो ये देखिए ये दूसरा साइड भी है जाने का, ये दूसरा साइड है जो शॉर्ट रास्ता सीधे रोड पर निकलता है, और जिधर मैं खड़ा हूँ वो लॉन्ग रास्ता। ये देखिए ये हनुमान जी का एक बहुत अच्छा मंदिर था, बहुत बेहतरीन मंदिर था। ये देखिए ये मैंने गेस्ट वहाँ जो रेस्ट हाउस था ना, जहाँ पे लोग मतलब रेस्ट करते हैं, वहाँ से मैंने लिया था बाहर का। ये पहाड़ का लोकेशन था, और वो सड़क है बाईपास जो जीटी रोड की से जाकर के मिलती है। और ये देखिए ये पीछे का पोर्शन है, और ये है वो मतलब जहाँ लोग रेस्ट करते हैं, इसका दूसरा साइड है वो और भी बड़ा है, ठीक है। तो बड़ा खूबसूरत था, और ये लास्ट है वीडियो का। तो जैसा लगा हो आप कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, अपना जो भी फीडबैक देना हो फीडबैक दें, मुझे मज़ा आया। तो चलिए आप भी बताएं वीडियो कैसा लगा, और बस हम अब वीडियो को समाप्त करें। यही वो जगह है जहां लोग आराम करते हैं। बाय बाय।